नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। राज्यसभा की तरह लोकसभा से भी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गया है। जिस तरह से राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाया था कि 370 से किसका भला हुआ, तीन परिवारों का, ठीक उसी तरह से जब लोकसभा में वो विपक्ष पे वार कर रहे थे तब उन्होंने फिर से सवाल उठाया और कि किसका भला हुआ, तीन परिवारों का। लग रहा था लोकसभा में कि जैसे तीन परिवारों का नाम खुल जाएगा, एक बार डिमांड भी उठी, लेकिन फिर वो रह गए कहते कहते, ये कह करके उन्होंने ख़त्म कर दिया कि सबको पता है। मैं विष्णु जी से समझने की कोशिश करूंगा कि वो तीन परिवार कौन से हैं। देखिए, दो परिवार तो सबको पता है, उमर अब्दुल्ला यानी फारूक अब्दुल्ला की फैमिली, दूसरा मुफ्ती फैमिली जो महबूबा हैं उनकी बेटी, तो अभी उसी परिवार दो बोल रहे हैं। तीसरा परिवार जो मुझे लगता है और पूरी तरह लगता है वो गांधी परिवार की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो लोग नहीं जानते तो जानते हैं कश्मीरी पंडित थे नेहरू जी, लेकिन मैं उन्हें बता दूं वो कैसे थे कश्मीरी पंडित। 1713 से 1719 तक जो मुगल किंग था फारूक शेर, वो एक बार इसी बीच में 19 से पहले गया था कश्मीर की यात्रा पे। वहाँ उन्हें राजकौल नाम के एक विद्वान मिले थे और विद्वता से उनकी इतने प्रभावित हुए कि उनसे कहा कि आप आइए दिल्ली रहिए। दिल्ली में उन्हें एक बंगला दिया गया किसी नहर के पास, कौंडली नहर हो सकती है, और वहाँ पर वो रहने लगे और मुगल सेवा में लग गए। नहर के किनारे रहने की वजह से उन राजकौल का नाम राज नेहरू पड़ गया और पूरा खानदान फिर ऐसे ऐसे चलता है, जिनमें से दावा किया जाता है कि एक जनाब जो थे वो यहाँ पर कोतवाल थे दिल्ली के, और उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई और उस दौरान वो भाग के आगरा चले गए, वहीं उनके तीन बेटे पैदा हुए जिनमें से एक वकील बन गए जो नेहरू जी के पिताजी, और वही कांग्रेस में गए फिर जवाहरलाल नेहरू जी और वो सब कांग्रेस में। तो अब यहाँ अब मैं इस पर जोर डाल रहा हूँ कि लगातार जो लाइन से देखिए, कश्मीर एक अकेला ऐसा स्टेट था जिसके बारे में पटेल साहब को उन्होंने रोक दिया कि इस पर आप कोई दखल नहीं देंगे, इस पर जो करूँगा मैं करूँगा। आज 370 लागू होती है तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। आप किताबें पढ़ लीजिए, आडवाणी जी ने भी लिखा है तमाम, कि वो कैसे वहाँ पर फौज को भेजना नहीं चाहते थे, कैसे उनके रिश्ते ख़राब हुए थे राजा हरी सिंह से, जो उनके दीवान थे, क्या नाम था उनका, काक करके कोई उन्होंने गिरफ्तार करवा लिया था एक बार नेहरू जी को, उसके बाद से नेहरू जी बिगड़ गए और शेख अब्दुल्ला से उनकी दोस्ती हो गई। उस शेख अब्दुल्ला को जो फारूक अब्दुल्ला के पिताजी हैं, पहले मैं बता दूँ 1942 में जब इंदिरा गांधी की शादी हुई तो उनका पूरा हनीमून का इंतजाम फिरोज और इंदिरा का शेख अब्दुल्ला ने किया था, इतनी गहरी दोस्ती थी, इंतजाम से मतलब सारा खर्चा पानी सब कुछ। और जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो वो सीधे यहाँ से वहाँ पहुँचे थे। प्लस शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाना हो और बाद में जेल में भी डालना, शेख अब्दुल्ला को उस वक्त जब तक नहीं मानते थे वो, शेख अब्दुल्ला ने अमेरिका से टाई अप किया था, इतिहास की किताबों में जाएंगे तो कैसे शेख अब्दुल्ला ने अमेरिका से टाई अप करके एक स्वतंत्र देश कश्मीर को घोषित करने की कोशिश की थी, तब नेहरू जी ने उन्हें जेल में डाला, वरना उससे पहले शेख अब्दुल्ला दिल्ली में आते थे तो नेहरू जी के घर में रहते थे, ये स्थिति थी। चलिए मान लिया कि शेख अब्दुल्ला से उनकी नज़दीकी थी या दोस्ती भी थी, लेकिन जब अमित शाह इशारा कर रहे हैं कि तीन परिवारों का भला हुआ 370 से, इनडायरेक्ट में वो भी कह रहे हैं कि तीन परिवारों ने लूटा, क्योंकि उसमें आंकड़े भी गिना रहे थे कि कितना पैसा जाता है, कैसे पहुंचता है, तो गांधी परिवार का सीधे सीधे वहाँ सत्ता से क्या, वहाँ उन्होंने कभी गांधी परिवार ने छोड़ी नहीं है। अब ब्रज नेहरू को भूल गए, नेहरू जी के खानदान ही है, वो कब तक वहाँ गवर्नर रहे, लगातार इंदिरा गांधी कितनी बार वहाँ छुट्टियाँ मनाने जाती थी, उनके एक गुरु वहाँ रहते थे जो अच्छे से, और जब आपको ध्यान होगा कि इंदिरा गांधी जब संजय गांधी की मौत हुई थी उससे पहले भी और अपनी मौत से पहले भी वहाँ गई, ये लगातार अलग अलग किताबों में आपको मिल जाएगा इंदिरा गांधी का कितना वहाँ लगाव था। ब्रज नेहरू वहाँ पे गवर्नर रहे इनके, जगमोहन को संजय गांधी से इतनी उनकी करीबी थी, दिल्ली के नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको वहाँ भेजा गया था, उनकी राजीव गांधी से भी करीबी दोस्ती थी। वहाँ पर कश्मीर को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। आपको पी एन अक्सर याद होंगे, कश्मीरी जो अधिकारियों का पूरा ग्रुप था वो नेहरू जी के भी साथ था, उन पे ही सबसे ज़्यादा नेहरू जी भरोसा करते थे। कश्मीर उनके लिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको उन्होंने छोड़ा हो। वही सेम इंदिरा गांधी के साथ इतने जितने कश्मीरी अधिकारियों का ग्रुप था इंदिरा गांधी के साथ भी रहता था और वही सत्ता पे हावी रहते थे। अक्सर कितने बड़े अधिकारी थे आप अच्छे से जानते हैं, एक कश्मीरी अधिकारी दूसरे में बता देता हूँ, हालांकि उनका यूपी से भी ताल्लुक रहा लेकिन मूल उनका कश्मीरी था, जिन्होंने रॉ खड़ी की, अभी नाम बोल रहा हूँ उनका, रॉ जिन्होंने खड़ी की, वो अधिकारी और उस इतना बड़ा अधिकारी, जब उस वक्त भी जब इंदिरा गांधी की मौत हुई तो वो उनका फिर भी सुरक्षा सलाहकार था, उस वक्त चाइना की यात्रा पे शायद था, उस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो ऐसे में आर एन काव, उनका नाम आर एन काव,
ऐसे में इतने सारे कश्मीरी लोग उनके साथ हैं, लगातार वो कश्मीर की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, हर मामले में टांग लगाते हैं, कश्मीर को एक अलग बना के रख दिया, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो नाम अगर छुपा रहे हैं तो इस वजह से छुपा रहे हैं कि वो कश्मीरी परिवार गांधी परिवार है। हालांकि वो राहुल गांधी माँ की साइड से, फिर देखा जाए तो इंदिरा गांधी के पिताजी की साइड से वो कश्मीरी हैं, वैसे अगर दादा की तरफ से जाएँ उधर की तरफ से तो वो गुजराती हैं। तो विष्णु जी का मानना है, वैसे हमें भी ये लग रहा है और भी कई पत्रकारों से बातचीत किए कि क्या हो सकता है, तीसरा परिवार कौन हो सकता है, एक अब्दुल्ला परिवार क्लियर है और मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार क्लियर है कि ये दो परिवार तो साफ साफ दिख रहा है कि राजनीतिक परिवार है, लेकिन तीसरे परिवार के बारे में बेशक विष्णु जी गिना रहे हैं कि उनका ऐसे ऐसे कनेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं कनेक्शन है, लेकिन जब सीधे सीधे सत्ता और शासन में रहने की बारी आती है तो वहाँ से डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई इनके परिवार का सीएम नहीं रहा, लेकिन हाँ चूँकि वो कश्मीरी थे, चूँकि कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया और अब्दुल्ला परिवार को सपोर्ट करते रहे, टाइम टू टाइम वो अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करते रहे। सत्ता राज नहीं हटी, आज इतने सारे कांग्रेस नेता इसके सपोर्ट में आ रहे हैं हटाने के, ज्योतिराज सिंधिया तक, तो वजह क्या है? एक परिवार ना जो नहीं हटाना चाहता था, वो चाहते एक मिनट में नहीं हट जाती, आज मोदी ने चाहा तो हटने के। और भी लोग तो विरोध कर रहे हैं, जैसे पी चिदंबरम है, वो गांधी परिवार अगर एक बार राहुल गांधी सोनिया गांधी कह देंगे हटनी है तो एक आदमी विरोध करके दिखाए। तो तीसरा परिवार गांधी परिवार ही है, चलिए मान लेते हैं गांधी परिवार, हो सकता है कि कभी खुल के बात आ भी जाए कि तीसरे परिवार से मतलब अमित शाह का क्या है, क्या वो गांधी परिवार ही है? गांधी परिवार ही है, चलिए देखते हैं अब और आगे क्या होता है जम्मू कश्मीर को लेकर के और क्या क्या तब्दीलियाँ होती है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन बिल पास हो गया, राष्ट्रपति का साइन होना सिर्फ एक औपचारिकता है, अब इसको जमीन पर लागू करने में आखिरकार कब तक वहाँ कर्फ्यू रहेगा, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या इसका रिपरकशन होता है, इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे, आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।